हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? और यहाँ पे जो यश था, ये बहुत मस्ती कर रहा था। और सुबह का टाइम है, इस टाइम ये सो के उठता है तो मस्ती करता है। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी छोटी सी क्लिपिंग शेयर करती हूँ। और इसको पता चल गया था, मैं इसका वीडियो बना रही थी। इससे पहले ये बहुत मस्ती कर रहा था, और जैसे ही इसने देखा कि फ़ोन ऑन हो गया है, तो ये एकदम से चुप हो गया। और यहाँ पे जो था, मैं आ गई थी यशु की, जो है अलमारी से, जो है मैंने इसके कपड़े निकाल के सारे अलग जो है तय कर करके रखे। ऊपर की इसकी टी शर्ट जो थी वो अलग मैंने तय करके रखी, जिससे कि बच्चे के जो होता है कपड़े जो होते हैं बहुत जल्दी फैल जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी टी शर्टें एक साथ रख दी थी, और नीचे की जितनी भी पजामी पैंट्स है वो एक साथ रख दी थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, मैं बना रही थी तड़के वाले आलू। इस टाइम रात का टाइम हो रहा है, और ये कढ़ाई जो थी वो गर्म हो चुकी है। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद जो था, मैंने इसमें जो है तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रखे, काट लिए थे, और मसाले यही सूखा धनिया और कसूरी मेथी, हल्दी और नमक, खटाई और लाल मिर्च, और थोड़ा सा जो है मैंने इसमें किचन किंग मसाला लिया था। यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्च काट के रख ली थी, और इसमें जीरा, और जो है मैं ये जो साबुत धनिया होता है सूखा हुआ जो होता है, ये मैं इसमें डालती हूँ। सूखा हुआ धनिया जो होता है, साबुत डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो मार्केट में जैसे हम समोसे वगैरह लेते हैं, तो उसकी जो स्टफिंग होती है उसमें भी ये जो है ये वाला धनिया यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया था, मैंने जो था जीरा और जो धनिया था वो डाल दिया था, और जो मैंने हरी कटी हुई जो मिर्च रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। अब जो है मैं थोड़ा सा इसको ब्राउन करूँगी, और ब्राउन हो चुका था ये, तो मैंने इसमें जो भी मसाले थे वो इसमें डाल दिए हैं। अब ये डालने के बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, और फिर उसके बाद जो है ये बॉयल करे हुए जो मैंने आलू रखे हुए थे, अब मैं वो बॉयल करे हुए आलू इसमें डाल दूंगी, और इसको अच्छी तरह से जो है चलाऊंगी, जिससे कि मसाला जो है अच्छी तरह से जो है आलूओं में जो है अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। और ये जो आलू की सब्ज़ी होती है हर किसी को अच्छी लगती है, बच्चे हो बड़े हो। जो सूखे आलू होते हैं वो हर किसी को पसंद आ जाते हैं, बस ये होता है कि बड़े लोग जो होते हैं कम खाते हैं आलू, और बच्चों के तो फेवरेट होते हैं ये। हर किसी के घर में सूखे आलू हर किसी को पसंद आते हैं, और इसके साथ ना पूरी भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन रात के टाइम जो होता है पूरी वगैरह नहीं खाते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो है मैं इसको ढक दूँगी, मैं इसको 5-7 मिनट तक जो है मंदी मंदी आँच में चलने दूँगी। और यहाँ पे जो था 5-7 मिनट हो चुके थे, और मेरी सब्जी जो थी एकदम रेडी हो चुकी थी, खूब अच्छी तरह से आलू जो थे क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए थे, और मसाला जो था उसमें अच्छी तरह से जो था एब्जॉर्ब हो गया था। और तो मैं इसमें कटा हुआ धनिया डाल दूंगी, और सब्जी बहुत ही टेस्टी लग रही थी, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। और अब जो हूँ मैं इसको जो हूँ एक जो है बाउल में शिफ्ट कर दूंगी, और सब्जी जो थी खूब अच्छी तरह से ब्राउन हो गई थी, खूब अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई थी, और सरसों के तेल में ही ये वाले आलू मुझे अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करना, तड़के वाले आलू, और ये देखिए कितने अच्छे टेस्टी लग रहे हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं पहली बार आप लोगों से रात के टाइम बात कर रही हूँ। इस टाइम 7:30 बजे है, और आज जो है दिन में मौका ही नहीं लगा बात करने का। वैसे मैं दिन में ही वीडियो बना देती हूँ, एडिट भी कर देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम जो होता है काम भी बहुत हो जाता है और फिर दिक्कत होती है यश के साथ। और आज जो है ना, पहले मेरा मन ही नहीं कर रहा था व्लॉगिंग करने का, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ऐसे कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। दिन तक शाम तक जो है बिल्कुल मूड ही नहीं था। फिर थोड़ी देर पहले मेरे को लगा कि नहीं यार, मैं जो रोज कर रही हूँ, जो रोज वीडियो बना रही हूँ, वो मेरे को जो है रूटीन तोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि चलो यार बनाती हूँ, चाहे कुछ भी बोलूँ, जो भी बात है कुछ भी है, और थोड़ा मेरे को आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करना था। तो मैंने बोला नहीं, मैं करती हूँ ब्लॉगिंग। तो फिर मैंने बोला कि चलो आप लोगों से थोड़ी बात भी कर लेती हूँ, थोड़ा मूड भी ठीक हो जाएगा। तो गर्मी भी आज बहुत हो रही है, कई दिन से मौसम अच्छा था, आज बहुत गर्मी भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है मुझे। अभी मैं किचन से आई हूँ, तड़के वाले आलू बना के आई हूँ। मैं उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मेरा मूड जो है ऑफ हो रहा था, आज ज़्यादा मूड ऑफ हो गया, वैसे तो 2-3 दिन से हो ही रहा था, और मैं परेशान थी किसी बात को लेके, और आज थोड़ा और ज़्यादा हो गया क्योंकि कुछ और भी हो गया। तो एक्चुअली हुआ ये कि मेरा जो फ़ोन था वो अभी मैंने लिया है व्लॉगिंग के लिए ही मैंने लिया था, तो आज जो था उसमें अचानक से प्रॉब्लम आ गई, वीडियोस वगैरह नहीं बन रहे थे, और एक दो मैंने वीडियो बनाए भी वो जो थे वो अपने आप जो है डिलीट हो गए। फिर उसके बाद जो था, फिर मैं उसको सर्विस सेंटर में ले गई, मैंने दिखाया। एक तो नया फ़ोन और उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो थोड़ी टेंशन भी हो जाती है, क्योंकि आजकल के फ़ोन कोई सस्ते तो आते ही नहीं है, महंगे महंगे आते हैं। तो फिर इतनी जो है महंगे महंगे फ़ोन लो, और फिर उसके बाद उसमें कोई मतलब नए फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो टेंशन वाली बात तो होती है।
तो उसकी जो थी उसके वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई। मेरे वीडियोस वगैरह जो मैंने इतनी मेहनत से बनाए 2-3 वो डिलीट भी हो गए, और फिर मैं नए वीडियो जो बना रही थी तो वो भी नहीं बन रहे, उसमें आउट ऑफ स्पेस आ रहा था। फिर मैंने सर्विस सेंटर गई, वहां पे दिया मैंने फोन, दिन के टाइम मैं गई थी तो दिन के टाइम फिर उन्होंने बोला आप 2-3 घंटे के लिए इसको छोड़ के जाओ, जो है हम इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। तो फिर वहां पे मैंने दे दिया था फोन, फिर मैं वहां से फोन लेकर आई। अच्छा, दूसरी बात को लेके मेरा मूड इसलिए खराब था, 3-4 दिन से जो था मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी इस बात को लेके कि जैसे जो जो नए नए यूट्यूबर्स हैं उनको पता होगा कि जैसे हमारे जो पोस्ट वगैरह होती है और जो हम वीडियोस वगैरह डालते हैं उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस तरीके के कि आप हमें सब्सक्राइब करो, हम आपको सब्सक्राइब करेंगे। और कुछ जो है कुछ को हम भी कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं किसी को नहीं कहती, मैं भी कहती हूँ किसी को कि आप मुझे सपोर्ट करो, मैं भी आपको करूंगी। क्योंकि जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनको पता होता है कि एक एक सब्सक्राइबर, एक एक व्यू की जो होती है कि क्या कीमत होती है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम लोगों के लिए। तो मैं ये कहना चाह रही थी, मैं इसलिए परेशान थी कि कुछ कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, हमें बोलते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करो, हम आपको सब्सक्राइब करेंगे, तो हम उनको कर देते हैं, वो हमें कर देते हैं, फिर क्या होता है वो थोड़े दिन बाद जो होता है वो हमें अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ऐसे ही मैं कई दिन से नोट कर रही थी कि मेरे सब्सक्राइबर जो थे बढ़ रहे, उसके बाद फिर मैं चेक करी फिर वो घट रहे। तो मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर थोड़े टाइम बाद जो है वो मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि आप पहले किसी को कहते हो कि आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको करेंगे, मतलब इस तरीके का, कि फिर उसके बाद फिर ये करने का क्या मतलब है, इस तरीके से किसी को धोखा देना, या फिर मतलब किसी को धोखा देकर आप अपने आप को जो है उठा रहे हो कि हम हमें आप अनसब्सक्राइब कर दो और हम आपको सब्सक्राइब कर दे, तो इससे क्या बेनिफिट हो जाता है किसी का, मेरी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। और मैं 2-3 दिन से इस चीज़ से बहुत परेशान हो रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्यों कर रहा है कोई। तो यही चीज़ मेरे को थोड़ा सा परेशान कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। और प्लीज़ आप लोगों में से अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप लोग जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं नई हूँ यूट्यूब में और मेरे जैसे और भी है, अगर हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। तो इसलिए जो थी मैं थोड़ी परेशान थी और मेरा मन था कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा कीजिए, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।